प्रणाम महाराज। आओ सारंगा, देखो राजा हिमा बिंदु ने तुम्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रण भेजा है। जिस राजा की नजर हमेशा ही विजयनगर के सिंहासन पर रही हो, वो उन्हें सम्मानित करने का आमंत्रण दे, ये बात सारंगा को पच नहीं रही थी। हिमा बिंदु के मंसूबों को सारंगा अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि जब वो राजा से मिलने अपने सैनिकों के साथ जाएं, तो उनकी टोली में ऐसे भी लोग हों जो चतुर और चालाक हों, और ऐसे ही लोगों को सारंगा भेष बदल कर ढूंढ रहे थे। पकड़ो पकड़ो। चलो ढूंढो उन्हें। वो अंदर तो नहीं गए होंगे। चुंगी, वो आ गए। जिन चतुर चालाक लोगों की तलाश सारंगा को थी, वो चुंगी मुंगी के रूप में उन्हें मिल गए। सारंगा ने उन्हें अपने साथ जाने वाली टोली में शामिल कर लिया। इस समय राजा हिमा बिंदु का शिविर विजयनगर की सीमाओं के पास ही था, लेकिन उनका विजयनगर को जीतने का कोई भी षड्यंत्र सारंगा की चतुराई के सामने टिक नहीं पाता था। सारंगा के सामने न हमारी राजनीति चलती है न कूटनीति। बस कुछ पल और महाराज, सारंगा ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। हम उसे ऐसा प्रलोभन देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा। सारंगा, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम महाराज। हमारे राज्य के प्रतिभावान नागरिकों के उपहार स्वीकार करें महाराज। वाह, अद्भुत। हम भी तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं सारंगा। अंदर आ जाओ। आइए सारंगा, आइए, ये रहा आपका उपहार। महाराज, ये क्या है? हम तुम्हें विजयनगर का राजा घोषित करते हैं। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, परंतु इस मुकुट का हकदार मैं नहीं, राजा विद्याधर है। सारंगा को अपनी तरफ करने के लिए राजा हिमा बिंदु ने उन्हें हर तरह का लालच दिया। ये लो सारंगा। नहीं महाराज। और दिखाओ। इतनी अकूट संपत्ति देखकर भी सारंगा अपने महाराज से गद्दारी करने को राजी नहीं हुए। गुस्से में आकर महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। डाल दो इसे लोहे की सलाखों के पीछे। अपने मंत्री की ये हालत देख सभी समझ गए कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिससे बचने का एक ही उपाय था। सुना है महारानी को हर तरह की शॉल जमा करने का शौक है। अगर हम उन्हें भेंट में शॉल देकर खुश कर दें, तो बदले में मंत्री जी को छोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, तो शॉल देकर छुड़वा देते हैं मंत्री जी को। शॉल ही तो नहीं है, एक ही थी, वो महाराज को उपहार में दे दी। यहाँ जब तक बहस चली, तब तक तो चुंगी मुंगी अपने काम में लग चुके थे। आवाज तो यहीं से आ रही थी। उधर देखते हैं। अरे
जैसा सोचा था वही हुआ। शॉल चुंगी मुंगी से मन्नू के हाथ में लगी और फिर महारानी के। वाह, ऐसी मुलायम और नर्म शॉल तो मैंने आज तक नहीं देखी। बोलो क्या कीमत है इसकी? मन्नू ने शॉल के बदले अपने मंत्री की रिहाई मांग ली। हाँ अच्छा ठीक है। रात को जब राजा महारानी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर चुके थे तभी। मैं क्या कह रही हूँ, उन्हें छोड़ दो ना। कल बात करते हैं। सुनो तो, उन्हें छोड़ ही देते हैं। अच्छा ठीक है। सुबह होते ही मंत्री सारंगा को बाइज्जत रिहा किया जाए। क्या? देखिए ये महाराज का आदेश है। जी। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी। उन्हें सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल लेना था, क्योंकि सुबह होते ही उनका ये राज खुल जाता कि जिस शॉल को देकर उन्होंने सारंगा को छुड़वाया है वो शॉल तो महाराज के उपहार की थी। ऐसे कठिन समय में मुंगी को एक युक्ति सूझी। उसने रात को दिन बना दिया। आज बड़ी जल्दी सुबह हो गई। मुर्गी की आवाज से सिर्फ सैनिक ही नहीं, राजा हिमा बिंदु की भी नींद खुल गई। सुबह होकर मुर्गे ने बांग भी दे दी। अब तो मंत्री जी को छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सैनिकों, मंत्री को किसने रिहा किया? आप ही का तो आदेश था महाराज कि उन्हें सुबह होते ही रिहा कर दिया जाए। परंतु अभी सुबह हुई कहाँ है? पकड़ो उन्हें। अरे इस तरफ ही तो आते देखा था उन्हें, कहाँ गए? जल्दी से ढूंढो उन्हें, कहीं भागने न पाए। शेर! अरे भागो, राजा आ गया। पकड़ो उन्हें। अब ये हंसी तुम्हारे किसी काम की नहीं सारंगा। अपने चारों तरफ तो देखिए महाराज, आप विजयनगर की सीमा पर हैं। एक कदम और लेने से पहले सोच लीजिए, मैं सीमाओं का उल्लंघन करने के अपराध में आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। और इस तरह से सारंगा और चुंगी मुंगी ने राजा का षड्यंत्र विफल किया। इस बात पर सबको मेरी तरफ से नारियल पानी। पियो, आपके लिए। उपी हम राजा हिमा बिंदु की तरह बेवकूफ नहीं बनेगा, हमको पता है कि ये तुम हो। अरे मैं तो सिर्फ नारियल पानी के लिए भौंक रहा था, डराने के लिए नहीं। ये कहानी विजयनगर के दो बिल्कुल अलग लोगों की है। एक था धनवान व्यापारी उडांका, जिसका घर दिन प्रतिदिन अनाज की बोरियों से भरता जा रहा था, और दूसरी तरफ था निर्धन बब्बन, जिसके घर में अनाज को छोड़ बस खाली बोरियां, बर्तन और उदासी ही बची थी। बब्बन उडांका के पास मदद मांगने पहुंचा। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है,
अनाज की एक बोरी मिल सकती है क्या? अरे जब तक पहले का बकाया न चुका दो, मैं अनाज का एक दाना न दो पाई पाई जोड़ के। बात करते हैं, चलो यहाँ से। इस गांव में ना तो अब रोजगार है ना ही कोई मददगार। पूरे परिवार की खातिर आप अकेले काहे शहर जाएंगे? हम सब साथ में जाएंगे और साथ में मेहनत करेंगे। हाँ तो ठीक है, हाँ? हम आपको अकेले मेहनत करने नहीं देंगे, तो मिलाओ हाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटे। बबन का परिवार हर सिचुएशन में यूनाइटेड रहना जानता था और यही बबन के परिवार की ताकत थी। अगली सुबह ही बबन और उसका पूरा परिवार शहर के लिए निकल पड़ता है। ए रुको, आगे घना जंगल है, रात्रि भी होने वाली है, कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो शहर जा रहे हैं, आगे ही रात्रि विश्राम कर लेंगे। ठीक है, मगर सावधान होकर, अभी अभी एक चोर हमारे हाथ से निकल कर भागा है। अरे हम लोगों के पास चोरी करने के लिए है ही का, जो चोर हमसे लेगा। चलता हूँ। ये जगह सही लग रही है, ये जगह हम लोगों के लिए रात्रि विश्राम के लिए एकदम बहुत बढ़िया है। तुम लोग पेड़ के नीचे की अच्छे से साफ सफाई कर लो। हाँ ठीक है। ठीक है भैया, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। निर्मला तुम पानी भर लो। ठीक है। तुम लोग आग जलाने का प्रबंध कर लो, है? मैं सूखी लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। ठीक है बाबूजी। ये सब नीचे तैयारी कर रहे थे और उसी पेड़ पर चोरी के सिक्के लिए बैठा था मुंगी। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए। बच गया। चलिए रात्रि विश्राम की तैयारी तो हो गई, बस खाए खातिर कुछ नहीं है। अरे चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा है ना, सब कुछ देख रहा है, उसको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। ऊपर मेरे अलावा कौन है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ऊपर बैठा हूँ? अगर वो हमारी मदद ना किए तो? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अगर मदद नहीं की तो हम सब उसके पैर ऐसे पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे ही नहीं। उस रस्सी को यहाँ रखो, बांधने के काम आएगा। ठीक है। कभी बोलता है कि ऐसे पैर पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, कभी बोलता है कि बांध देंगे। लगता है ये महाराज के आदमी हैं। इनका तालमेल तो ऐसा दिख रहा है कि एक साथ लपकेंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए भाग ले मुंगी। सिक्के? वो भी सोने के? ऊपर वाले ने हमारी मदद कर दी। इससे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ क्यों नहीं छोटे, हम लोग जल्दी सोएंगे। कल सुबह हम लोग को निकलना भी है। अरे शहर के लिए नहीं, अपने गांव के लिए। आ गए सुबह सुबह उधार मांगकर मेरा पूरा दिन खराब करने, पाई पाई जोड़ के। अजय हम उधार मांगने नहीं बल्कि चुकाने आया हूँ। नहीं चाहिए तो बाद में आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे अंदर आओ पाई पाई जोड़ के। यह रहे आपके बकाया सिक्के, और इन सिक्कों के बदले अनाज की बोरियां बैलगाड़ी में रखवा दो। कल तो उधारी नहीं चुका पा रहे थे और आज उधारी चुकाने के साथ साथ अनाज खरीदने भी आ गए।
अरे पूरा परिवार कहीं रातों रात डाका डाल के तो नहीं आ गया पाई पाई जोड़ के? नहीं नहीं सेठ, हुआ यूं कि बब्बन की सिक्के की कहानी सुनकर लालची उडांका ने उसी पेड़ पर जाकर एकता का नाटक करने का प्लान बनाया। अब एकता दिखाने के लिए तो लोग चाहिए, इसीलिए उसने अपने ग्राहकों को थोड़ा सिक्कों का लालच देकर उसी पेड़ के नीचे बब्बन की घटना को दोहराने की सोची। अगली सुबह वो भी सामान लेकर उसी पेड़ की तरफ चल पड़ा, जहाँ पहले से ही बैठा चोर मुंगी अपनी खोई हुई थैली ढूंढ रहा था। मेरे सिक्कों की थैली, इतने दिन की मेहनत गई पानी में। जगह तो यही है, सामान उतारो। सुनो, तुम नहर से पानी लेके आओ और तुम लकड़ी काट के लाओ। और आप क्या करेंगे? केवल आराम। बहस मत करो, जाओ काम पे ध्यान दो और हाँ जल्दी आना। अब तो बस कुछ ही देर की बात है। जाओ। ये लो पानी। एक काम करो। अरे और कौन सा काम बच गया? अरे मूर्ख, सवाल पूछना शुरू करो, इसी काम के तो सिक्के दिए हैं तुमको। रात्रि विश्राम का सारा इंतजाम हो गया है, बस खाने को कुछ नहीं है। चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा सब देख रहा है ना, अब वही हमारी मदद करेगा पाई पाई जोड़ के। ये बातें तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेगा? हम सब एक साथ हैं, अब उसके पास भी कोई चारा नहीं है, ऊपर वाले को हमारी मदद करने को आना ही पड़ेगा। अच्छा, इस मुखिया की बात इसके लोग नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर वाला कैसे सुनेगा? चल मुंगी, अपने खोए हुए सिक्कों की भरपाई करने का समय आ गया है। ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये मैंने बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ के जमा किया है। चुप कर, चुराऊंगा तो कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। डालो सब सामान गाड़ी में। आया तो था कमाने के लिए, पर यहाँ तो कमाया हुआ ही गवा दिया। एक बार विजयनगर में रहने वाला बब्बन ऐसा बीमार हुआ कि उसके इलाज में घर के काफी सारे सिक्के खर्च हो गए। घर में बस एक गाय ही बची थी, जिसे बेचकर बब्बन की दवा का इंतजाम हो सकता था। बब्बन और निर्मला ने उसे बेचने का फैसला किया। बब्बन की पत्नी सीधी साधी थी। जब बाजार जाकर गाय बेचने की बात आई तो बब्बन ने उसे समझा कर भेजा। सुनो, रास्ते में किसी से बात मत करना, अपना काम करके सीधे घर वापस आना। नमस्ते काकी। अरे काकी ने नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया, बड़ी अजीब बात है। लगता है आज कुछ बढ़िया हाथ लगा है। अरे पर ये हिल क्यों रहा है? अरे पकड़ो इसे। सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे और मिला क्या, ये भेड़। अब देखो इस भेड़ को मैं कैसे गाय बनाता हूँ। निर्मला के पास गाय थी तो मुंगी के पास भी उसे लेने की योजना थी। मेरी गाय। क्या हुआ काकी? हम तो गाय लेकर आए थे, ये भेड़ हमारी नहीं है। ये भेड़ ही आपकी गाय है काकी, आपको नहीं पता यहाँ की हवा में जादू है, हवा लगी गाय भेड़ बनी।
हवा में जादू है, तूने कभी बताया नहीं। देखा काकी मेरे गधे को, हाँ इसी जादुई हवा से ये इंसान बना, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। ये क्या हो गया? चुंगी मुंगी ने जिस गाय को भेड़ बनाया था, अब उसी भेड़ को मुर्गी बना दिया है। फिर से जादुई हवा? ये हवा का जादू नहीं, बल्कि चुंगी मुंगी के हाथ की सफाई का जादू था। अब ये पुरानी रस्सी कौन खरीदेगा? आज तो हवा भी नाराज है। निर्मला से सारी बात सुनकर बब्बन समझ गया कि दो लड़कों ने जादुई हवा की कहानी सुनाकर उसे बेवकूफ बनाया है। और अगले ही दिन ले आए मंगलू भैया के खरगोश, पर ये तुम्हारी योजना पूरी कर पाएंगे, देखना कहीं और नुकसान ना हो जाए। देखती जा निर्मला, बस तुझे याद है ना क्या करना है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कल तो बैठे बैठे अच्छी आमदनी हो गई। यहाँ चुंगी और मुंगी नहीं जानते थे कि आज उनके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। अरे अरे धीरे बेटा धीरे। खरगोश, ये जरूर वो ही दोनों हैं जिनके बारे में निर्मला ने बताया था। अरे काका कितना प्यारा खरगोश है, कहाँ ले जा रहे हैं इसे? खरगोश नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीमार हूँ ना, इसलिए बेचने ले जा रहा हूँ। मेरी हर बात मानता है ये। हर बात? हाँ हाँ, ये मेरे साथ खेलता है। मैं जब इसके कान मरोड़ता हूँ तो इसे अच्छा लगता है। फिर ऐसे एक हाथ से उठाकर घुमाता भी हूँ, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे और वैसे, फिर जैसे तैसे। नहीं, खरगोश कलेजे का टुकड़ा कैसे हो सकता है? अब इसको भी बताओ। ऐसे वैसे नहीं, प्रमाण दो तब मानेंगे कि ये आपकी बात मानता है। अभी देता हूँ। बेटा चीकू, अपनी काकी से कहना आलू की सब्जी, खीर और पूरी बना कर रखना, मैं मेहमानों के साथ आ रहा हूँ। अरे सुनती हो, हम आ गए। हाँ हाँ चीकू ने बता दिया था, मैंने आलू की सब्जी, पूरी और खीर बना दी है। अरे सच में ये खरगोश तो होशियार निकला। लो काका, चीकू अब हमारा हुआ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, ये तो छटाक भर कीमत भी नहीं है। ये भी लो काका। ना बेटा ना, इतने से तो नहीं होगा। अरे ये तो अजूबा है, अजूबा दुनिया का। अगर सिक्कों की जरूरत नहीं होती तो कभी इसे नहीं बेचता। मैं इसे बड़े बाजार में ले जाकर बेचूंगा। अरे खरगोश चीकू को अगर महल में जाकर राजा जी को बेचा तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी, सिक्कों में खेलेंगे, सिक्कों में। अच्छा ये ले लो। ना ना ये भी लो, ये भी लो, चलो ये भी लो, चल और निकाल चुंगी। अरे अब और नहीं है मेरे पास। ये लो सब रख लो। ठीक है ठीक है, इतना काफी है। अपनी सारी कमाई इस खरगोश पे लगा दी। तुझसे तो ज्यादा ही अकल है इसमें।
हिसाब का पक्का हूँ और सिक्कों का भी। देख जो सिक्के गए हैं वो वापस कैसे आते हैं। चीकू जा, जाकर काका से बोल अगर एक पहर में वो पैसे लेकर नहीं आए तो फिर हम आएंगे और सब लूट कर ले जाएंगे। एक पहर का बोलकर कई पहर बीत गए, ना चीकू आया और ना पैसे लेकर काका आए। तब उन्हें शक हुआ बब्बन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। काका बाहर निकलो। क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ भूल गए? होशियार नहीं काका, हमें हमारे सिक्के वापस चाहिए। हैं? हाँ ये लो। ये तो पत्थर है। सिक्के ही तो थे। लगता है जादुई हवा से पत्थर बन गए। ऐसी कोई जादुई हवा होती है क्या? होती है ना। हा? जैसे जादुई हवा से गाय भेड़ बन जाती हैं। और भेड़ मुर्गी। अरे ये तो वही गाय वाली काकी है जिसको हमने लूटा था। सिपाही ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, बुलाऊं क्या? हमको बेवकूफ बनाया। चलो चलो अब हमें थोड़ा आराम करने दो। हमारे सिक्के। टोपी, हवा में जादू नहीं होता। देखो हो सकता है नारियल भी हवा में नहीं बल्कि तुम्हारी पोटली में चला गया हो। अरे हाँ मिल गया। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.